स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। अभी अभी एसईपीएस ऑनलाइन क्लासेस टॉपिक पे डिस्कशन फॉर द बॉडी बिल्डिंग कोर्स सब्जेक्ट साइंस एंड क्लास 6 की टॉपिक पे डिस्कशन बॉडी बिल्डिंग कोर्स दैट इज द बॉडी बिल्डिंग कोर्स जो बॉडी को बनाने में एक भोजन मुख्य भूमिका अदा करता है भूमिका निभाता है उसी को बॉडी बिल्डिंग कोर्स कहते हैं। द फूड विच हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग बाई मेकिंग न्यू सेल्स। सो ओल्ड सेल्स से फॉर्मेशन के बाद में न्यू सेल्स की जो फॉर्मेशन है वो मुख्यतः इसके माध्यम से एंड बॉडी बिल्डिंग मेकिंग और द न्यू सेल्स आर द रिपेयरिंग टिश्यू आर कॉल्ड बाई बिल्डिंग फूड्स दैट इज द न्यू सेल्स आर रिपेयरिंग That is the, चोट लगती है कहीं बिगड़ जाते हैं ऊपर ऊंचा जाती है कहीं बिगड़ होता है ठीक तो उसके कारण जो रिपेयरिंग सेल्स के अंदर जो सेल्स डैमेज हैं एंड डैमेज सेल्स को डैमेज सेल्स से जो डैमेज सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए यानी बॉडी बिल्डिंग जो मटेरियल है वो वेरी और इसेंशियल है वेरी वेरी इसेंशियल एलिमेंट्स तो आर कैंड आर कैंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सो एग्जांपल इज द प्रोटीन इज द रिच फूड एंड सच एज दिस एग मिल्क पल्सेस एंड चीज। सो प्रोटीन इज द रिच फूड सो प्रोटीन इज द रिच फूड प्रोटीन इज फाउंड इज द वेरी वेरी पावर ऑफ द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। सो प्रोटीन इज द मेन रिसोर्सेस फॉर द इन दिस पार्ट ऑफ द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। बॉडी को बनाने में प्रोटीन्स है प्रोटीन का सबसे मुख्यतम जो सोर्सेस हैं उनके अंतर्गत हम प्रोटीन्स को अधिक मात्रा में लें इसके कारण हमारी बॉडी को ज़्यादा यानी बॉडी की जो रिपेयरिंग है या बॉडी के अंदर जो सेल्स डैमेज सेल्स हैं उन सेल्स की फॉर्मेशन हो सके। तो प्रोटीन्स की मुख्यतः प्रोटीन जो है वो मुख्य तौर पे या मेनली जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन है और प्रोटीन इज द वेरी रिच फूड फॉर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड सच एज द फिशेस। सो फिश इज वेरी कॉमनली आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द फिश। सो फिश इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। सो अगर जिसका यूज करें या फिश को खाएं तो खाने से हमारे अंदर जो ऊर्जा है ठीक वो फिल्ड यानी बॉडी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो। उसके बाद में एग एग इज द अंडे जो अंडे हैं एग्स हैं एग को खाएं तो उसके वो भी हमें क्या करेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स में मदद करेंगे। एंड मिल्क को लें ठीक मिल्क में क्या है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट्स है और वसा है सारी चीज हमें इससे मिल्क से प्राप्त होती है। मिल्क जो है वो क्या करता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स के तरीके से कार्य करता है। एंड पल्सेस पल्सेस यानी जो दालें हैं दालों में जैसे मूंग है उड़द है मसूर है कई दालें हैं ठीक उन दालों में हमें क्या है यानी जैसे सोयाबीन है सोयाबीन की जो दाने हैं जो बीज हैं उनके भी काम सेवन करें तो उनकी अधिक मात्रा में हमें क्या मिलेगी बॉडी बिल्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी और चीज यानी बनेगी। तो इन चीज़ों का हम योगा यूज करें तो क्या है हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी और इससे हमें ज़्यादा क्या होगी इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी के साथ साथ हमारी जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है वो भी हमें पर्याप्त होगा और जब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो क्या होगा उससे हमें ऊर्जा प्रोवाइड होगी और जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी या अंदर जो ताकत है वो ताकत जरूर होगी। थैंक्स वॉचिंग फॉर यू मिस्टर डी।